जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रूबीना लियाकत वर्सेस अनुराग भदौरिया, रूबीना लियाकत थग लाइफ डिबेट वीडियो। रूबिका जी का वीडियो था ना, तो उस वाले डिबेट में मेरे को तो मजा आता है, लिटरली मजा आता है। चलिए पहले डिबेट ही स्टार्ट करते थे दोस्तों। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, हर बार डिबेट की तरह ये भी आपको डिबेट पसंद आने ही वाली है, क्योंकि आप रेगुलर डिबेट, खास करके डिबेट वाली वीडियो आप पूरी देखते हो। जो हमारी व्यूअरशिप है उस हिसाब से हम बोल रहे, जो हम चैनल के एनालिसिस करते हैं उसमें, तो आपको डिबेट की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है। और दोस्तों, और कोई टॉपिक हो और कोई वीडियो ऐसी हो जो आपको पसंद आती हो, तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कई सारे हमारे जो व्यूअर है कमेंट में भी लिखते हैं, तो उसकी इच्छा भी हम पूरी करते हैं। तो ये वीडियो हम दोबारा लाए हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। के बीच में नहीं बोला हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं, इसलिए व्यक्ति बोल रहा है मूर्ख लोग जो भी। पकड़ लेते हटाइए महामूर्ख को, पहले हटाइए तब डिबेट होगी। अगर महामूर्ख रहेगा तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, महामूर्ख रहेगा तो डिबेट नहीं करूंगा। क्यों बचा रहे हैं आप बीजेपी को? सैम पित्रोदा जी कौन सा फूफा लग रहा है इंडिया गठबंधन का? आप मुद्दा तो बेरोजगारी है, असली मुद्दा तो किसान है, आप कौन इसका जिम्मेदार है? दाल तो यहां साफ कर दीजिए, आप सैम पित्रोदा जी को कहिए ना इसी पर ध्यान दें, आप ही से क्लासेस ले लें, आप ही से क्लासेस ले लेना। क्यों कहूंगा जी, इतना क्यों चिल्लाते हैं? सब समझ रहे हैं रुपया जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, देश जान रहा है रुपया जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूरा मीडिया एक्सपोज है, जान रहा है पर सवाल उठा रहा है, भारतीयों पर सवाल उठा रहा है। ओए मीडिया देखिए, एक्सपोज मीडिया, अरे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप चिल्लाने, आप वही मुद्दा बार-बार बोलते हैं और इतना एक्यूरेटली उसी पर बोलते हैं कि आप अपनी एक कैसेट सब तक पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, मैं प्ले कर दूंगी वो चल जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में रूबीका लियाकत ने अनुराग भदौरिया को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है। क्योंकि अनुराग भदौरिया हर डिबेट में आकर कहते रहते हैं कि हमें देश की बड़ी चिंता है और देश के लोगों की बड़ी चिंता रहती है, लेकिन वहीं पर इनके गठबंधन के सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया है कि साउथ के लोग तो साउथ अफ्रीका और ईस्ट के लोग तो चाइनीज जैसे दिखते हैं। लेकिन वहीं पर जब रूबीका लियाकत ने अनुराग भदौरिया से इस पर सवाल पूछा, तो अनुराग भदौरिया भड़क उठे और वो सैम पित्रोदा की बातों का जवाब देने से इनकार कर रहे थे। वहीं पर रूबीका लियाकत ने इनको आज डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है। वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज मुझे लग रहा है कि पैनल में 3 अमेरिकन और 1 अरबी बैठा है, कोई अफ्रीका से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, हम डिबेट शुरू कर देते हैं। वैसे देखिए, ऐसा है कि ये शब्द अंकल सैम के है, पर सोच तो राहुल बाबा के है ना। ये अंकल सैम कौन है? केवल वो राहुल बाबा के गुरु ही नहीं, बल्कि राहुल बाबा के विदेशी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऑफिस बेरर है, प्रेसिडेंट लेवल पर है। और देखिए, विदेशी सोच और विदेशी नेतृत्व का ऐसा असर पड़ा कि सत्यनारायण गंगाराम सैम बन गए, विदेशी नेतृत्व कांग्रेस पे आ गया, अब हर भारतीय में विदेशी दिख रहा है। सोचिए कि मतलब इनको हर भारतीय में भारतीय नहीं दिख रहा, इनको दिख रहा है चाइनीज, अरबी, अफ्रीकन। और विडंबना की बात यह है कि चेला जो है जाति में बांटता है, चेला जो है धर्म पे बांटता है, चेला जो है क्लास में बांटता है, और गुरु जो है वो अब नस्ल और चमड़ी पर बांटता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा उड़ीसा में पैदा होते हैं, गुजरात के वडोदरा में पढ़ाई करते हैं, और अब इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष 2017 से। भाई उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान कितना इमोशनल देश है, उनको नहीं पता है कि कोई भी बयान जो है कितना सोच समझ के देना है। आप देते फिर दिए आप सफाई, क्यों नहीं निकलवा लेते हैं उस पद से? आपके साथ ही है ना कांग्रेस वाले अनुराग जी? मुझे हाँ, मुझे बोलने दीजिएगा, टूकिएगा नहीं। मैंने कहा हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति ने बोला सब कोई बाहरी है, कोई अफ्रीकन तो नहीं है। मुझे इससे ऑब्जेक्शन है, जिसकी जैसी मानसिकता, हम तो भारतीय हैं। शायद बोलने वाला अपने आप को भारतीय नहीं समझता होगा, क्योंकि वो डिवाइडेड रूल की मानसिकता में रहता है, इसलिए उसको कोई अफ्रीकन दिख रहा होगा, कोई यहाँ पे बाहरी दिख रहा है। कमाल के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई। देखिए, ये वो लोग हैं जो हमेशा डिवाइडेड रूल करना चाहते हैं। इतनी देर तक भाषण दिया, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं, इसलिए व्यक्ति बोल रहा है। मूर्ख लोग जो भी पकड़ लेते हैं, आप बोलने दो। ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? किसी के बीच में नहीं बोला, ये महामूर्ख कौन है? अनुराग जी, अब अपनी बात रखिए प्लीज। महामूर्ख इसलिए बोला, महामूर्ख किसने कौन है? महामूर्ख को हटाइए, महामूर्ख को पहले हटाइए तब डिबेट होगी। अगर महामूर्ख रहेगा तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, महामूर्ख रहेगा तो डिबेट नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं है,
ऐसी बात नहीं, मैं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और ना मैंने किसी के बीच में टोका, क्योंकि मैं संस्कृति संस्कार का सम्मान करता हूँ। अच्छा, देखिए सवाल यह है कि हिंदुस्तान, मैं तो ये सोच रहा था अभी तक आवाज आएगी कहीं देश के मुद्दों पे कोई बात हो, क्योंकि हार का डर बीजेपी को इस कदर सता रहा है, परेशान हो गए, मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूरी तरह से बीजेपी के लोग। उनको ना किसान याद आता है, ना महिलाएं याद आ रही हैं, ना युवक याद आ रहा है, ना छात्र याद आ रहा है, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ नहीं याद आ रहा है। सत्ता कैसे चाहिए? अरे कौन क्या कहता है, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, जो जो कहता है उसको उसकी सजा अपने आप मिलेगी। हम ऐसे ऐसे बयानों से ना हमें कोई लेना है ना कोई देना है। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है क्यों? क्योंकि उनको मुद्दों से ध्यान भटकाना है। मिल गया मुद्दा, मिल गया मुद्दा, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अरे भाई, जो कह रहा है उसको उसको अपने हिसाब से कानूनन कार्रवाई, जो जैसा होगा अपने हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन असली मुद्दा क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? असली मुद्दा तो महंगाई है, असली मुद्दा तो बेरोजगारी है, असली मुद्दा तो किसान है। आप 16 लाख करोड़ रुपए धरना सेटों के माफ होते हैं कर्जे, लेकिन किसान का नहीं माफ होगा, किसान के ऊपर कर्जा यहाँ पे लदा रहेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे बोलेंगे महंगाई दर पूछेंगे, आज महंगाई की हालत है कि 35 रुपए का दूध जो मिलता था 70 रुपए लीटर मिल रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? दाल जो यहाँ 60 रुपए मिलती थी, 200 रुपए किलो मिल रही है, कौन है जिम्मेदार? यहाँ पे क्लासेस ले लिया, आप ही से क्लासेस ले लेना, क्यों कहूं, क्यों नहीं कहेंगे? मैं क्या गठबंधन कौन है? जनता की बात कर रहा हूं, और नहीं कहना है तो आप कांग्रेस को जाकर कहिए ना। अच्छा बताइए, ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए, अच्छा ये बताइए, इतना ताल ठोक के जो आज यहां पर सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं बोल दूंगी, आपका जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं, आप तो किसी से खौफ नहीं खाते ना, जवाब दे रहा हूं, इसी हरे कुर्ते में जाइए कांग्रेस दफ्तर में और उनको बोलिए कि सैम पित्रोदा को निकाल कर बाहर फेंकिए। अरे जवाब तो लीजिए, इतना काहे को परेशान, आप जवाब ले लीजिए, आप लगता आप परेशान ज्यादा होंगे, जवाब ले लीजिए, बीजेपी का जवाब है। सवाल ये है, महिलाओं पे घसीटी गई थी, आरोप किसके ऊपर लगा था, किस पे आरोप लगा था? तो क्या बीजेपी कहेगी कि मैं शामिल थी उसके अंदर, बीजेपी शामिल था? बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ था, बोले बीएचयू घटना हुई थी, बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे, बोले जिस घटना मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बोले बीजेपी वाले शामिल थे। कमाल की बात कर रहे हैं आप, अब लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये घटना से मुझे प्रेसिडेंट बोल रहा है, यस किसी का, तो ऐसा ऐसा करते हैं, फिर चिल्ला पड़ते हैं, मैं चिल्ला नहीं हूं, मैं तो इत्मीनान से बात कर रहा हूं, आप सैम पित्रोदा को क्यों बचा रहे हैं? बीजेपी को सैम पित्रोदा जी कौन सा फूफा लग रहा है इंडिया गठबंधन का? मुझे ये बताइए, काहे आपको बचाने की जरूरत है? कहिए ना कि सैम पित्रोदा जैसे आदमी का इस चुनाव में कोई जगह उसकी नहीं होनी चाहिए, निकाल फेंकिए बाहर पद से, कौन रोक रहा है आपको? बनाइए ना जी, इतना क्यों चिल्लाते हैं? सब समझ रहे हैं रुपया जी आप क्या कहना चाह रही हैं, देश जान रहा है रुपया जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूरा मीडिया एक्सपोज है, जान रहा है, बीजेपी एक्सपोज है, क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसे सैम पित्रोदा की बात कीजिए मीडिया एक्सपोज हो जाता है, जबरदस्ती यार मुझे बोलने दीजिए, कमाल की बात कर रहे हैं, भारतीयता पर सवाल उठा रहा है, भारतीयों पर सवाल उठा रहा है, कोई मीडिया देखिए, एक्सपोज मीडिया, अरे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, आप चिल्लाने नहीं देंगे, चिल्लाइए, डिवाइड एंड रूल वाले आपके इस एजेंडा पर आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए अभी एक महाव्यानी व्यक्ति बड़ी बातें मुद्दों की कर रहे थे, वोट जिहाद मुद्दा है क्या? किसने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं मारा, कसब ने नहीं मारा करकरे जी को, और मारा तो हिंदुओं ने मारा, किसने कहा? पूंछ में स्टंटबाजी हुई है, किसने कहा? पुलवामा पर आज क्लीन चिट किसने दिया? और पाकिस्तान से जैसे ही इबादत होने लगी आपके लिए तो आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, ये मुद्दे हैं क्या? और मुद्दों की बात जहां तक है तो अनुराग भदौरिया जी, आप केवल एक बात बता दीजिए कि ये जो मुद्दे कर रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जी से एक बार बोल दीजिए ना कि सैम पित्रोदा को हटा दे, वो हमारे पेरोल पर है, All right. वो हमारी स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे हैं, अनुराग जी, शक्ति जी, ये पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट है आपको, देखे, आपको देखे, ये कहने का हक तो है ना अनुराग जी, जवाब फिर शक्ति जी आपका, रुक करें, देखिए देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे थे जिसपे महिलाओं पे अत्याचार लग रहा है उसको उसको हटा दीजिए, क्या हटाया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं तो कह रहा था मणिपुर में जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आपने हटाया क्या? हमने तो मांग की थी हटाइए, आप हटाया क्या? कह रहे हमने चर्चा की, माने महिलाओं पे अत्याचार हुआ उनको किस तरह से घुमाया गया, हमने चर्चा की, चर्चा करना आपका समाधान था, कमाल की बात कर रहे हैं। जिस तरह की घटना आपको बीएचयू में हुई, जिस तरह की घटना अंकिता भंडारी के देखने को मिली, जिस तरह की रोंदने वाला आपने देखा, किस चार किसानों के रोंदने वाले श्री को आपने टिकट दी हुई है, और आप कह रहे हो कि हमने हटाया नहीं, एक मिनट मैं अभी किसी के बीच में, दूसरी बात संविधान बदलने वाले लोग जो संविधान बदलने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या आपने उनके टिकट काट दी, क्या हटा दिया क्या आपने उन लोगों को, क्या आप, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, मेरी कोई डिबेट उठा के देख लिए रूबिका जी, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जब से हुआ तब से मैं हमेशा महंगाई बेरोजगारी किसान महिला समस्या पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, उनके मुद्दे हैं जिसपे बात नहीं होना, आप वही मुद्दा बार बार बोलते हैं और इतना इतना एक्यूरेटली उसी पर बोलते हैं कि आप अपनी एक कैसेट सब तक पहुँचा सकते हैं, कुछ नहीं करना होगा, मैं प्ले कर दूंगी वो चल जाएगा।
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको अनुराग बदरे के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और एक क्वेश्चन मेरे मन में जो है वो ये है, लोग कहते हैं कि जिस कोई भी चीज में मेजोरिटी ज्यादा होती है उसी को ही अधिकार मिलता है, जहां तक मैं मानता हूँ, जहां तक हम मानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ वोटिंग होती है तो उसमें भी जिसकी मेजोरिटी सीट आती है वही पार्टी जीतती है। ठीक है, ये डिबेट में यही नहीं समझ कि पूरी दुनिया को पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, पूरा हमारा देश, हमारे नागरिक सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये लोग विरोध क्यों करते हैं? जिस चीज का करते हैं ना तो उसकी कुछ नींव में ठीक होती है, ना उसकी बात में दम होता है, ना कुछ दम ही नहीं दिखता है, फिर भी झगड़ना वगड़ना क्या है? मेरे को लगा क्या डिबेट का एक पार्टी ऐसा है सबको सिर्फ झगड़ा ही करना है, सबको एक दूसरे को नीचे ही गिराना है। हालांकि हाँ। भाई कांग्रेस के राज में भी बहुत कुछ अच्छा भी हुआ और बहुत कुछ बुरा भी हुआ। अब बीजेपी काम करे तो उसके राज देखो भाई, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, या कोई भी पार्टी, कोई भी कोई दूध की धुली हुई नहीं। हाँ, एक डिफरेंट है, पहले ज्यादा हो रहा था, अब कम होता है, बस इतना डिफरेंट तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, पहले ऐसा था कि सरकार एक रुपया भेजती थी, ठीक है, तो 25 पैसा जो था वो पहुंचता था जनता के पास। अब ऐसा हो चुका है कि एक रुपया भेजती है सरकार तो 75 पैसा तो पहुंचता ही पहुंचता है, पर 25% तो थोड़ा इधर उधर होता है, वो जनता भी जानती है। लेकिन पहले ऐसा हमने कुछ ना एक्सपीरियंस किया, आप लोग भी अच्छे से जानते हो। अब सरकार डायरेक्टली खाते में दे रही है तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इधर उधर होता भी होगा, कोई बार टाइम पीरियड लेट हो जाता है, ऐसा सब कुछ होता ही होता है ना, नॉर्मली हम मान, लेकिन पहुंचता तो है कुछ, तो ये एक चीज हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में भी बहुत कुछ खराब, उस समय भी बहुत कुछ अच्छा भी हुआ अगर, बहुत कुछ बुरा भी हुआ अगर, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट हो चुका है पहले से और अब में डिफरेंट। रीजन एक नहीं है कि सिर्फ सरकार काम कर रही, रीजन इस वाले टाइम में ये है कि पूरा देश एक साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये सरकार ने माइंड अच्छा गेम खेला कि भाई पूरे देश को एक साथ जोड़ा, सबका साथ सबका विकास, सबको मोटिवेट किया और सबने एक साथ मिलके काम किया, इसलिए आज हमारे जीडीपी इतनी ग्रो कर रही है। पहले ये थोड़ा बहुत उस समय लॉस्ट हुआ सरकार को कि उस समय सोशल मीडिया एक्टिविटीज बहुत कम थी लोगों के पास, क्योंकि इतने इंटरनेट की कमी थी हमारे देश में, और इतना मतलब बिल्कुल 1990 के आसपास हमारे देश में इंटरनेट आया, तब से थोड़ा बहुत प्रचलित हुआ, और जब से जियो आया है तब तो भाई खत्म। तब तो अभी बिल्कुल, अब तो 80 साल के व्यक्ति को भी आप बोलो ना तो वो भी आपको अच्छी सी वीडियो निकाल के दे सकता है मोबाइल में से, अच्छा सा इंटरनेट में रिसर्च करके आपको दे सकता है। पहले इतना कम था, ये सब कुछ कम था, तो थोड़ा कम प्रचलित हुआ। अब सब कुछ हो रहा है तो सबको उसमें भी प्रॉब्लम है। ये देखो, ये पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन ये कभी किसी को समझ में नहीं आएंगे, जो पॉलिटिशियन होते हैं उसको भी खुद को समझ में नहीं आता है, तो हम तो भाई जनता है, हमें तो कब समझ में आ सकते हैं कि ये पूरी गेम ही ऐसी है। आज तक पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिशियन 100% जीत ही नहीं पाया है आज तक, इसीलिए तो ये अब तक पॉलिटिकल जो गेम है दो सौ तीन सौ सालों से चलती आ रही है ना, क्योंकि उसके पहले तो राजाशाही थी, किंग होते थे ये सब, वो उसकी पॉलिटिकल पॉलिटिशियन थे, लेकिन पॉलिटिशियन कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि वो गेम ऐसी गेम है ना, वो कभी किसी को 100% समझ में नहीं आती है, जिसको उसे कुछ परसेंट समझ में आ जाते हैं वो अच्छी गेम खेल जाते हैं। ये नियम है भाई, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियन सुनते रहो, इस कान से डालो, इस कान से निकाल लो, कोई ऐसी अच्छी बात लगे उसको आपके दिमाग में बिठाओ जो आपके जीवन में अच्छे काम करने में काम आ सकती है, उसको दिमाग में डालो, बाकी जो कचरा है एक कान से डाला है तो दूसरे कान से निकाल लो। क्योंकि हम वीक में भी एक दो बार नॉर्मल लोग तो डेली कान साफ करते होंगे, कोई बिजी रहते होंगे वो वीक में एक दो बार कान को मतलब अंदर से साफ करते, वैसे ही बाकी
खत्म करो वीडियो को, यहाँ ज्यादा आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।